हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे हजारों साल पुराना एक ऐसा देश माना जाता है जो पूरी तरह से हिस्टोरिकल है। इस देश के चारों तरफ म्यूजियम हैं, दूसरे देशों की सीमाएं हैं और इस देश की कैपिटल सिटी का इतिहास रोम शहर से भी काफी पुराना है। इतिहास धर्म को सबसे पहले इसी देश ने अपनाया था और इसी देश में दुनिया का सबसे पहला चर्च बना था और इसी देश में दुनिया की सबसे ऊंची डबल डेकर केबल कार भी चलती है, जबकि दुनिया का सबसे पुराना जूता भी इसी देश में खोजा गया था और दुनिया की सबसे बड़ी वाइनरी की गुफा भी इसी देश में स्थित है, जिसे करीबन 5000 साल पुरानी वाइनरी गुफा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्मेनिया देश की। तो चलिए फिर जानते हैं अर्मेनिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बातें जो अर्मेनिया को खास बनाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के कारकेशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है। चारों तरफ जमीन से घिरे होने की वजह से इसे एक लैंडलॉक्ड देश कहा जाता है। देश की सीमाएं उत्तर में जॉर्जिया, पूर्व में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान और पश्चिम में तुर्की से लगती हैं। ईरान, चीन, ग्रीस, मिस्र और जापान के साथ अर्मेनिया उन छह प्राचीन देशों में से एक है जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। देश का कुल क्षेत्रफल 29,743 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 27,77,000 के करीब है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 98 लोग रहते हैं। इस देश में आपको चारों तरफ चर्च और म्यूजियम्स देखने को मिल जाएंगे। सुरक्षा और सेफ्टी के में अर्मेनिया दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ क्राइम आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। खासकर गर्मियों में आप बहुत से लोकल लोगों और दूसरे देशों से आए टूरिस्ट को आधी रात तक सड़क पर घूमते हुए देख सकते हैं और वो भी बिना किसी डर के, टेंशन फ्री, एकदम मजे से। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश के लोगों को एशिया और यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा फ्रेंडली नेचर का माना जाता है। यहाँ के लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे मान लीजिए, दूसरे देश से आया कोई टूरिस्ट अगर आधी रात को भी अर्मेनिया की सड़कों पर खो जाता है तो यहाँ के लोग उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि घर तक छोड़ के आते हैं कि भैया जाओ आराम से रहो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो टूरिस्टों को मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं और पूरी रात उन्हें अपने घर में जगह देते हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी 24 घंटे इस देश में एक्टिव रहते हैं, फिर चाहे रात के समय की बात ही क्यों ना हो। और आपको अर्मेनिया के हर गली के कोने पर पुलिस की एक टीम लोगों की सेफ्टी के लिए जरूर खड़ी मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें यहाँ की लैंग्वेज यानी की भाषा की, तो दोस्तों अर्मेनिया की भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। अर्मेनिया की प्रमुख भाषा अर्मेनियाई है और ये देश की आधिकारिक भाषा है और इसी भाषा में अर्मेनिया के लोग बात करते हैं और बाकी सारे काम किए जाते हैं। अर्मेनियाई भाषा लगभग 5000 साल पहले या शायद की 7800 साल पहले की है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश की अपनी खुद की वर्णमाला है, यानी कि अपनी भाषा के अल्फाबेट इस देश के खुद के हैं। अर्मेनिया की वर्णमाला को दुनिया की सबसे एडवांस वर्णमाला भी माना जाता है, जहाँ पे 36 अक्षर होते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं अर्मेनिया के कैपिटल के बारे में। यहाँ की कैपिटल सिटी है येरेवान, जिसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। ये रोम से भी करीबन 30 साल पुराना शहर है और ये एक ऐसा शहर है जिसे एक्सप्लोर करना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि एक अकेले इस शहर में आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों से कुछ लोग जयपुर के रहने वाले हैं तो आप लोगों को येरेवान अपने घर जैसा ही लगेगा, क्योंकि इस शहर की ज्यादातर बिल्डिंग्स पिंक कलर की हैं। याद आया, पिंक सिटी जयपुर, यस। या यूं कहें कि पिंक पत्थर से ही इन बिल्डिंग्स को बनाया गया है, जिस वजह से येरेवान को पिंक टाउन के नाम से भी जाना जाता है। येरेवान का मेट्रो सिस्टम दुनिया के सबसे डीपेस्ट मेट्रो सिस्टम्स में से गिना जाता है, जो कि इस शहर की नाइट लाइफ पूरे अर्मेनिया देश की सबसे बेहतरीन नाइट लाइफ्स में से एक मानी जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने ईसाई धर्म के बारे में तो जरूर सुना होगा और आप में से कुछ लोग इस धर्म को मानते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईसाई धर्म को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? ये देश कोई और नहीं बल्कि अर्मेनिया ही था। जी हाँ दोस्तों, अर्मेनिया ईसाई धर्म को अपने राज्य धर्म के रूप में अपनाने वाला पहला देश है। आज अर्मेनिया की लगभग 92.64% आबादी ईसाई है और अर्मेनिया में दुनिया के सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक चर्च यहाँ पे है, ग्रेगरी द इल्यूमिनेटर, जिन्होंने 301 में अर्मेनिया को बपतिस्ता दिया। सभी अर्मेनियाई लोगों के पहले कैथोलिक थे। इतना ही नहीं, दुनिया का पहला चर्च अर्मेनिया में बनाया गया था, होली एच म्याजिन, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया का पहला राजकीय चर्च था। अर्मेनिया में जितने भी चर्च हैं उसमें ये सबसे मेन है और साथ ही ये दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको वाइन पीने का शौक है तो अर्मेनिया क्या ही कहना यार, आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आपने यहाँ की वाइन एक बार टेस्ट कर ली ना तो आप दुनिया की बाकी वाइन के टेस्ट को भूल जाओगे। आप बोलोगे बाकी सब क्या है, यही बेस्ट है। दरअसल इसके पीछे एक कारण है और वो ये है कि दुनिया की सबसे पुरानी वाइनरी अर्मेनिया की एक गुफा में है, जिसे करीबन 4100 साल पुरानी वाइनरी माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वाइन मेकिंग का काम इससे भी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि फसलों की खेती शुरू होने से पहले ही शराब बनाई जा रही थी। प्राचीन लोगों का मानना था कि शराब इंसानों के लिए नेचर का सबसे बड़ा गिफ्ट है। वहीं अगर बात इस देश की गुफा की करें तो दोस्तों, अर्मेनिया के वायोडेट्स डेजोर में एरेनी 1 गुफा 4100 ईसा पूर्व की है। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी डबल ट्रैक केबल कार अर्मेनिया में है, जो कि 5752
मीटर यानी कि 18,871 फीट है और ये अर्मेनिया ने उपलब्धि 2010 में हासिल की जब इस सबसे लंबी केबल कार को खोला गया था और इसकी लंबाई के लिए इसे रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया। अभी तक ये रिकॉर्ड अर्मेनिया के पास ही है और अभी तक इसे तोड़ा नहीं जा सका है। इस शानदार केबल कार को विंग्स ऑफ टेटेव के नाम से भी जाना जाता है और जब आप इस डबल ट्रैक केबल कार पर घूमेंगे ना तो आपको ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा जो आपके ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट है तो आप लोगों ने अंकगणितीय समस्याओं को जरूर सॉल्व किया होगा। किया ही होगा यार। अंकगणितीय समस्याओं की सबसे पहली टेक्स्ट बुक अर्मेनिया में ही बनाई गई थी। दोस्तों सितंबर 2008 में अर्मेनिया में दुनिया का सबसे पुराना जूता खोजा गया था और ये जूता अर्मेनिया के अरेनी 1 गुफा में मिला था। गाय की चमड़ी से बना ये जूता कोई 5,500 साल पुराना बताया जाता है। सोचो दोस्तों, रिसर्चर्स ने दावा किया है कि ये चमड़े के एक ही टुकड़े से बनाया गया है और पहनने वाले के पैर के आकार का है। जब इस जूते पर रिसर्च करने वालों की नजर पड़ी तो वो पहले तो हैरान रह गए थे कि ये क्या चीज है। दरअसल इस जूते के अंदर घास भरी थी और ये समझ नहीं आया कि घास को पैर गर्म करने के लिए भरा गया था या फिर जूते का आकार बनाए रखने के लिए भरा गया था। इस बात का अभी पता नहीं लगाया जा सका था कि ये जूता किसी महिला का था या फिर किसी पुरुष का। दोस्तों अर्मेनिया में चेस गेम का कुछ ज्यादा ही क्रेज है। यहाँ इसे चेस का सुपर पावर माना जाता है। इस देश में चेस 9वीं शताब्दी से जाना जाता है और यहाँ के शतरंज खिलाड़ी तिग्रान पेट्रोसियान 1963 से 1969 तक 9वें विश्व शतरंज चैंपियन थे। अर्मेनिया में 2011 से स्कूल शुरू करते ही बच्चे चेस सीखना शुरू कर देते हैं और यहाँ के लगभग हर स्कूल में पूरे साल काफी सारे चेस कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाता है। साथ ही यहाँ के स्कूल्स में चेस एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, मतलब पढ़ो ही पढ़ो भाई, जिसे हर किसी को पढ़ना जरूरी होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1999 में पुरुष और 2003 में आर्मेनियाई महिलाई टीम यूरोपीय चैंपियनशिप की विजेता बनी। वर्तमान में आर्मेनियाई पुरुष टीम दुनिया में सबसे मजबूत टीमों में से एक है और दूसरे देशों का मुकाबला अगर चेस में अर्मेनिया से होता है तो वो काफी बार खेलने के लिए सोचते हैं कि भैया अर्मेनिया वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। लेकिन भारत अर्मेनिया को चेस में इंटरनेशनल लेवल पर हरा चुका है। थोड़ा खुश हो जाओ यार, हमने अर्मेनिया को हराया है। दोस्तों लवाश रोटी, ये अर्मेनिया की पहचान है क्योंकि इसे दुनिया की सबसे बड़ी रोटी कहा जाता है। इस एक रोटी को खाने से एक नहीं बल्कि दो लोगों का पेट एक साथ भर जाता है। इसी खासियत की वजह से यूनेस्को ने उन रोटियों को कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। इन रोटियों को बनाना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए इसे बनाने के लिए तंदूर को खास तौर पर तैयार किया जाता है और इन रोटियों को ज्यादातर अर्मेनिया की शादियों में बनाया जाता है। जितनी हमारी 8 रोटियां होती हैं उतनी अर्मेनिया की इन एक रोटी का साइज होता है। ताजी लवाश रोटी खाने में टेस्टी और मुलायम होती है जबकि सूख जाने पर ये कड़ी होकर टूटने लगती है। अर्मेनिया की कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इस रोटी के सूख जाने पर इसके ऊपर बढ़िया से पानी वानी डालकर इसे बढ़िया तरीके से खाया जाता है ताकि खाने में ये पत्थर जैसी ना लगे और दांत भी ना टूटे। बाय द वे अगर आप अर्मेनिया जाएं तो एक बार लवाश रोटी जरूर खाइएगा, सूखी नहीं तो मुलायम वाली खा लीजिएगा, गर्मा गर्म और क्या। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने आपको अर्मेनिया की वाइन के बारे में तो पहले ही बता दिया है, चलिए अब आपको अर्मेनिया की वर्ल्ड फेमस ब्रांडी के बारे में बताते हैं। अर्मेनियाई ब्रांडी पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसे कॉन्याक के नाम से जाना जाता है। अर्मेनिया में इसे सबसे लोकप्रिय ड्रिंक्स में से एक माना जाता है जो आपको यहाँ के हर पब और बार में पीने को मिल जाएगी। अगर आपको दुनिया की सबसे टेस्टी ब्रांडी को ट्राई करना है तो आप अर्मेनिया जाकर इसे ट्राई कर सकते हैं। वाइन, ब्रांडी और दुनिया की सबसे बड़ी रोटी के बाद अब बारी आती है दोस्तों अर्मेनिया के टेस्टी फूड की। कोलकाता स्टेट वाले लोगों को अर्मेनिया की कुछ डिशेस अपने घर जैसी लगेंगी क्योंकि अर्मेनिया का खाने का कल्चर ना कोलकाता से मिलता जुलता है, इसीलिए दोनों जगहों के खाने का टेस्ट थोड़ा सा सेम है। अगर अर्मेनिया के खाने की बात करें तो अर्मेनियाई पिलाफ इस देश की सबसे पॉपुलर डिशेज में से एक है जो एक चावल से बनी हुई डिश होती है। अर्मेनियाई पिलाफ को यहाँ के लोग काफी दिलचस्पी के साथ खाते हैं। आपको ये पिलाफ कुछ बाकी के देशों में भी खाने को मिल जाएगा लेकिन सबसे पहले इसे अर्मेनिया में ही तैयार किया गया था। इसके अलावा खोरोवत, घपामा, मंटी, हरीसा, ये सारी चीजें इस देश की कुछ पॉपुलर डिशेज में गिनी जाती है। दोस्तों अर्मेनिया घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है। टूरिज्म के मामले में अर्मेनिया बाकी देशों से काफी ज्यादा आगे निकलता जा रहा है, जिसका एक कारण ये भी है कि इस देश में आए टूरिस्ट के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सब बढ़िया मजे से रहते हैं। जो सुविधाएं यहाँ के लोकल्स के पास हैं वही टूरिस्ट को भी दी जाती हैं, कोई भेदभाव नहीं। जैसे कि यहाँ के म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स की टिकट का प्राइस सभी के लिए बराबर है, जबकि अर्मेनिया के चर्च में टूरिस्ट की एंट्री भी बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या है अर्मेनिया का वीजा प्रोसेस और आपको इस देश में घूमने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। अर्मेनिया देश में यात्रा करने के लिए बाकी देशों की तरह वीजा पॉलिसी है। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स और वैलिड पासपोर्ट है तो आपको अर्मेनिया का वीजा 4 हफ्तों के अंदर मिल जाएगा। अर्मेनिया की करेंसी आर्मेनियाई ड्राम है। अगर आपको अर्मेनिया की यात्रा करनी है तो आपको एक हफ्ते का खर्चा 1,00,000 के करीब आएगा, लेकिन इस बजट में आप पूरा अर्मेनिया एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस देश के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों ये था अर्मेनिया देश जो हर तरह से बेहद खास है। आज है ना, इस देश में इतना कुछ है कि क्या ही कहना जो इसे एक खास देश बनाता है। खैर दोस्तों अगर आप लोगों ने अर्मेनिया की यात्रा की है या इस कंट्री के बारे में पढ़ा है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में अर्मेनिया
दुनिया से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी मजेदार वीडियोस लेकर आते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।